सपने देखते हुए उनको अचीव करना सीखो, क्योंकि सपने सब देखते हैं और केवल कुछ परसेंट ही लोग उन्हें अचीव कर पाते हैं। तो मैटर ये नहीं है कि आप सपने में देखते क्या हो, आप रोड पे जा रहे हो BMW, ऑडी, फॉर्च्यूनर या बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप देखते हो, किसी ना किसी की तो होती होंगी ना वो। अगर आप 20 फ्लोर की बिल्डिंग देख रहे हो तो उसका कोई ना कोई तो ऑनर होगा ना। तो शायद आपके मन में वो ख्याल आता हो यार इस बिल्डिंग का जो ऑनर होगा बहुत अमीर होगा। ये एक सपने होते हैं, लेकिन अगर वहीं पे तुम ये सोचो कि यार ये जिसकी बिल्डिंग है वो कितना अमीर होगा, किसी दिन मैं इसके जैसा इससे बड़ा करके दिखाऊंगा और इससे बड़ा कुछ करूंगा। कहते हैं ना, मुसीबतें कितनी भी आएं, कितनी भी वो तुम्हें तोड़े मरोड़ें, लेकिन तुम्हें उन मुसीबतों के साथ लड़ना होगा, उन मुसीबतों के साथ खड़े रहकर डटकर लड़ाई करनी होगी। तो कहते हैं ना, वो भगवान मुसीबतें उसी को देता है जो उसे झेल सकता है, और वो भी है। अगर तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तो समझ लेना एक दिन नया वक्त आने वाला है। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती हैं। अगर आप उसको लेके बैठ जाओ कि नहीं मेरे पास ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अब मैं क्या करूं, ये तो सलूशन नहीं होता ना उसका। उसका सलूशन क्या है कि इस प्रॉब्लम से हम बाहर कैसे आएंगे, दैट इज़ द पॉइंट। एक शेर की तरीके ज़िंदगी जियो। शेर वो वाला मत समझो कि जिससे लड़ाई झगड़े करने हो चलो लड़ाई झगड़े कर लें। उसके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो हमेशा हाई होता है, क्योंकि शेर से बड़ा जानवर हाथी होता है। किसी भी तरीके से देख लो, जिराफ भी बहुत बड़ा जानवर होता है अगर मैं एक जंगल की बात करूं तो, लेकिन फिर भी वो शेर से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लूज होता है, और शेर छोटा होते हुए भी उसका कॉन्फिडेंस लेवल ये होता है कि नहीं वो मेरा शिकार है। ये सबसे बड़ा एक टारगेट होता है कि वो मेरा शिकार है, वो मेरा टारगेट है, वहाँ तक मुझे पहुँचना है। और मैं आपको कई वीडियोस में बताता हूँ मेरे दोस्त कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। बस यार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं शुभम।